एमसीक्यू टेस्ट जिसमें आपको 100 में से लाइटली मत लेना, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा। आई विल टेल यू कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उन 3 महीनों में। वाइवा में भी आपको मेकअप करना सिखाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा कितने डोर होते हैं, डोर को कैसे ऑफ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर फ्लाइट पे आपका कोई ना कोई डॉक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुराने हाईजैक से लेके ये वाली एग्जाम टफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेरी। एयरक्राफ्ट विजिट मतलब अगर फायर लग गई है तो आप क्या करोगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन अब होगा आपका फाइनल। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। माय नेम इज समरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिगो कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बारे में। 3 महीने की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, कितने कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, कैसे आपको पास होना है, अगर आप फेल हो जाते हो उस ट्रेनिंग के टाइम पे किसी मॉड्यूल में तो क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, आपने इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद में आपको मेडिकल राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका मेडिकल्स हो गया है, आपको फिट टू फ्लाई का मेल आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ से आपकी हो जाती है ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट। अब आपको फिट टू फ्लाई के मेल के बाद आपको एक और मेल आएगा जिसमें आपको ट्रेनिंग डिटेल्स दी जाएंगी, आपको फ्लाइट की टिकट दे दी जाएगी कि आपको इस दिन पर पहुंचना है दिल्ली। दिल्ली में आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आपको कैब लेने आएगी, कैब आपको लेकर जाएगी गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में आप 1 दिन 2 दिन स्टे करोगे, उसके बाद में आपका होगा फर्स्ट डे इंडिगो के ट्रेनिंग सेंटर पे, जो कि है इंडिगो आई फ्लाई। आई फ्लाई में पहुंचने के बाद फर्स्ट डे पर होगा आपका इंडक्शन डे, जिसमें मोस्टली 50 to 60 लड़कियां होती हैं। तो वहां पे आपको बताया जाएगा इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, आपकी कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहां पे होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। जो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होता है, वो इसी दिन इंडक्शन वाले दिन आपको देना होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अपना डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा आपका एक्चुअल ट्रेनिंग का डेट, क्योंकि 50-60 लोग होंगे तो उनको बैचेस में डिवाइड किया जाएगा। मोस्टली 20-25 का एक बैच होता है, तो 3-4 बैचेस जितनी भी उन्हें डिवाइड करनी है डिवाइड कर दी जाएगी, और फिर आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। सो गाइज, अब ये जो इंडक्शन और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बीच का टाइम है, ये आपको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो आपको गेस्ट हाउस दिया जाएगा वो सिर्फ 15 डेज के लिए दिया जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप आसपास में पीजी ढूंढना स्टार्ट कर दो। आपका इंडक्शन हो गया है, आपने पीजी भी ढूंढ लिया है, अब है आपका फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में आपको एक बैच इंस्ट्रक्टर असाइन होगा, जो कि आपकी पूरी बैच का ध्यान रखेगा 3 महीने की ट्रेनिंग में, ठीक है। जैसे कि होते हैं हमारे स्कूल में जो क्लास टीचर होता है, वैसे यहाँ पे होता है बैच इंस्ट्रक्टर। तो अब वो आके आपके पास में एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और आपसे पूछेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए या क्या क्या है, जो भी है एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के बीच में सेट होंगी। और यहाँ पे भी होगा आपका इंट्रोडक्शन राउंड। अब इंट्रोडक्शन में राउंड में आप सेम चीज कह सकते हो जो आपने आपके इंटरव्यू राउंड में कही होगी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाले में, तो वो यहीं पे आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है। बैच इंस्ट्रक्टर आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में यहाँ से सिलसिला चालू हो जाएगा आपके एग्जाम्स का और मॉड्यूल्स का। सो गाइस, हर मॉड्यूल के बाद आपका होगा एमसीक्यू टेस्ट, जिसमें आपको 100 में से 90 स्कोर करना मैंडेटरी है। अगर आप 90 स्कोर नहीं करते हो, 89 भी अगर आपको आते हैं तो भी आप फेल माने जाओगे। तो प्लीज़ 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 ट्राई करना कि अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल उसको लाइटली मत लेना, घर पे जाके रिवाइज करना, क्लास में अटेंशन पे करना, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा। निकाल देने का मतलब अगर हम एविएशन टर्म्स में बोले तो आपको रेलिगेट कर दिया जाएगा। तो उस बैच से आप निकल के आपको फिर जो भी दूसरी बैच आने वाली होगी उसमें आपको डाल देंगे, ठीक है। तो वो बैच आने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। तो इट्स बेटर कि आप फेल ना हो, आप पहली ही बार में सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो क्लियर कर लो। आप फेल भी आप सिर्फ 2 बार हो सकते हो, 2 बार से ज्यादा आप रेलिगेट भी नहीं हो सकते हो। तीसरी बार अगर आप फेल होते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो इट्स बेटर टू स्टडी वेल, 3 महीने पढ़ाई करो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है वैसे भी। सो गाइस, नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उन 3 महीनों में। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल स्टार्ट होता है वो होता है आपका बेसिक इंडॉक से। बेसिक इंडॉक में बेसिकली आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बताई जाती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं आपको, उनके बारे में बताया जाता है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसको कौन सी सिचुएशन में आपको ऑपरेट करना है, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। और खत्म होने के बाद आपका होगा वाइवा और एमसीक्यू टेस्ट। वाइवा में भी आपको 100 में से 90 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और एमसीक्यू में भी आपको 100 में से 90 मार्क्स लाना मैंडेटरी है।
फिर होगा आपका ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में आपको मेकअप करना सिखाया जाएगा, आपको चलना सिखाया जाएगा, बातें करना सिखाया जाएगा, हैंड जेस्टर्स दिखाए जाएंगे कि कैसे आपको कौन सा हैंड जेस्टर नहीं यूज करना है। कुछ कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे करके फ्राउन करने की, वो सब नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आपको ग्रूमिंग में भी सिखाई जाएगी। और गाइस, ग्रूमिंग का भी एग्जाम होता है, आपको अच्छे से तैयार होकर जाना है, उसमें भी आप फेल हो जाते हो तो ट्राई करना आपकी ट्रेनिंग डेज में आप अच्छे से ग्रूम होकर जाओ, ठीक है। उसके बाद होगा आपका एयरबस मॉड्यूल, क्योंकि इंडिगो फ्लाई करता है एयरबस A320 और A321, तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कितने डोर होते हैं, डोर को कैसे ऑपरेट करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको सारी सिचुएशंस हैंडल करनी है एयरबस पे, वो सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में सिखाई जाएंगी। इसमें भी सेम 100 मार्क्स का होगा आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 90 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और वाइवा में भी सेम है। तो हर एक मॉड्यूल में होगा आपका वाइवा और MCQ। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट एड। ऑफ कोर्स यार, 35,000 फीट पे यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि हर फ्लाइट पे आपका कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद होगा, और मेडिकल इमरजेंसी तो यार कभी भी हो सकती है। तो आपको फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाया जाएगा, और फर्स्ट एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 35,000 फीट पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो किसी भी पैसेंजर के साथ या किसी भी ह्यूमन की लाइफ के साथ में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्पेशली इस वाले मॉड्यूल में आप बहुत ही ज्यादा अटेंशन दें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे तक काम आएगा, ये वाली जो चीज है फर्स्ट एड वाली। इसमें भी आपका MCQ भी होगा और वाइवा भी होगा, और इसमें प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाए जाते हैं कि अगर किसी को कट लग जाता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, अस्थमा अटैक आ जाता है, और या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको फर्स्ट एड के मॉड्यूल में बताई जाएंगी। उसके बाद आता है गाइस एफसेक। एफसेक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। एफसेक वाले मॉड्यूल में आपको बताया जाएगा हाईजैक के बारे में, बहुत ही पुराने पुराने हाईजैक से लेके लेटेस्ट हाईजैक जो भी हुए हैं, या जो भी सैबोटाज हुए हैं, अटैक्स हुए हैं एयरपोर्ट्स पे या एयरक्राफ्ट पे, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, और उससे रिलेटेड एग्जाम होगी। बट ये वाली एग्जाम टफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक चीज अच्छी होती है कि इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 80 होते हैं, बट 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। इस एफसेक वाले में ना आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट तक अटके हुए हैं तो फिर डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ नीचे से छूट ही जाना है। तो एफसेक में भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज। इन सब के दौरान आपकी जो है एयरक्राफ्ट विजिट भी होती रहेगी। एयरक्राफ्ट विजिट मतलब आपको एयरक्राफ्ट से फेमिलियर कराया जाएगा कि हाँ यहाँ पर डोर है, मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है, यहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, यहाँ पे ये वाला इक्विपमेंट होता है, वहां पे वो वाला इक्विपमेंट होता है, कुछ इमरजेंसी होती है तो मुझे ये करना होता है। तो इसलिए आपका फ्रीक्वेंट एयरक्राफ्ट विजिट्स होता रहेगा। उसके बाद एक और जो मॉड्यूल होता है वो होता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। जैसे कि आपको हर एक एयरलाइन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखाया जाएगा कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो यहाँ पे वो चीज है कि अगर आपने जैसे तैसे करके इंटरव्यू क्लियर कर भी लिया है, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है आप रेलीगेट हो जाओ। तो इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपको पैसेंजर हैंडलिंग करनी होगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है मैं हिंदी में ही बात करूंगी, या नहीं मुझे हिंदी नहीं आती है मैं इंग्लिश में ही बात करूंगी। तो दोनों चीजें जो है वो हैंड ऑन हैंड चलेंगी। आपको ब्रीफिंग करनी होती है, आपको अनाउंसमेंट्स करने होते हैं, तो आपका जो प्रोनंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट जो मॉड्यूल होता है वो होता है इमरजेंसी मॉड्यूल, जो टफ भी होता है और बहुत ज्यादा आप उसमें इंजॉय भी करते हो। तो इमरजेंसी में आपको सारी इमरजेंसी सिचुएशंस बताई जाएंगी, जैसे कि अगर प्लेन क्रैश लैंड हो जाता है तो क्या करना होता है, अगर वो पानी में लैंड हो जाता है जैसे हम बोलते हैं डिचिंग, अगर वो हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आग लग जाती है क्या करना पड़ता है, स्मोक हो जाता है पूरे कैबिन में तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है कि बॉयलर में अगर फायर लग गई है तो आप क्या करोगे, ओवरहेड बिन में अगर किसी फोन में आग लग गई है तो आप क्या करोगे। तो इमरजेंसी सिचुएशंस आपको हैंडल कैसे करनी है वो सब इस मॉड्यूल में आपको सिखाया जाता है। एक और मॉड्यूल होता है जो कि होता है कस्टमर सर्विस मॉड्यूल। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल होता है, फन मॉड्यूल होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना होता है। इसमें आपको डेली चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे आपको कस्टमर को अप्रोच करना है, अगर कोई गुस्सा है पैसेंजर तो उनको कैसे काम डाउन करना है, कैसे हमें जो सिचुएशन है उसे हैंडल करनी है, आप सर्विस कैसे करोगे, कैसे आप पैसेंजर से इंटरेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको कस्टमर सर्विस में सिखाई जाएंगी। फाइनली ये सारे एक 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 मॉड्यूल आपने क्लियर कर लिया है। अब आप हो चुके हैं आपको 2.5 मंथ से भी ज्यादा, अब होगा आपका फाइनल एग्जाम। सारे मॉड्यूल्स मिला के एक पेपर आएगा जो कि होगा इंडिगो का एग्जाम। उसमें फर्स्ट एड, कस्टमर सर्विस, आपका इमरजेंसी, एयरबस, बेसिक एंड डॉग, फर्स्ट एड, हर एक चीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे।
100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें फिर से आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये वाला जो पेपर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हर मॉड्यूल में आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप इंडिको का एग्जाम क्लियर कर सको। इंडिको का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो फिर से एक पेपर आता है जो इंडिगो से मिलता जुलता ही आएगा, कुछ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। TGCA का होगा एग्जाम जिसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाना ही पड़ेंगे पास होने के लिए। तो गाइस इंडिगो और TGCA के ऐसी एग्जाम है जिसको आपको पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो अगर आप पास नहीं करोगे तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेंगी चीजें। तो इट्स बेटर टू स्टडी वेल, टू फोकस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और घर आके फिर से आप रिवाइज करो ताकि आपको फिर से सब कुछ शुरू ना करना पड़े। और ये जो 3 महीने होता है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ले आते हैं आपकी पर्सनालिटी में। मतलब 3 महीने के पहले आप क्या थे और 3 महीने के पहले आप क्या हो जाओगे, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि यार मैं इतनी चेंज कैसे हो गई हूँ। क्योंकि एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हो जाता है आपका, आप लोगों से इंटरेक्ट करना चालू कर देते हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो आपकी ये 3 महीने की ट्रेनिंग। पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा मस्ती मजाक भी होगा। एक दिन आपका मूवी डे भी होता है जब आपको मूवी दिखाई जाती है, आपके लिए पॉपकॉर्न और कोक आया जाता है क्लास में, और एक प्यारी सी मूवी लगाई जाएगी जो आपको दिखाई जाएगी पूरे बैचमेट्स के साथ में। ये सब जब हो जाता है, TGCA इंडिको का एग्जाम तो होता है आपका ग्रेजुएशन डे, उस दिन आपको दी जाती है, आपको आपका हैट दिया जाता है, हैट के साथ आपको वो विंग्स दिया जाता है। और वो फीलिंग होती है ना यार जब आपको वो हैट और वो विंग दिया जा रहा है, एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि फाइनली यू आर ग्रेजुएटेड, वो एक अंदर से बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती है जिसमें आपके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर 3 months ऑफ ट्रेनिंग। वंस यू आर डन विद दिस ट्रेनिंग तो फिर आपको फिर से एक टिकट दिया जाता है आपको रिलोकेट करने के लिए आपके बेस पे। आप जिस भी इंडिगो के बेस पे रिलोकेट हो रहे हो, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, वहां की आपको टिकट दे दी जाएगी और वहां पे भी आपको दिया जाएगा 15 days का अकोमोडेशन, और उस दौरान आपका हो जाएगा फ्लाइंग स्टार्ट। 15 days के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा अपना फ्लैट या PG जहां पे आप शिफ्ट हो जाओगे। आई होप मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। जो लोग सोच रहे थे कि इंडिगो की ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है, 3 महीने में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।